अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो प्रोडक्ट अनबॉक्स करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से तो जिस घर में स्कूल गोइंग बच्चे हैं वहाँ पे तो इस प्रोडक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जी दोस्तों, आज मैं जो प्रोडक्ट अनबॉक्स करने जा रहा हूँ वो है वीकॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये डिवाइस जुओं और लिखों को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो चलें अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है लाइस्टेक कंपनी की वीकॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बॉक्स। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। लाइस्टेक बेसिकली ऑस्ट्रेलियन कंपनी है और ये डिजाइन उनका पेटेंट डिजाइन है। जैसे कि आप बॉक्स पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि ये हेड लाइसेस और निट्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो चलें बॉक्स को ओपन करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये सबसे पहले डिवाइस हेड इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये डिवाइस का वैक्यूम सक्शन का जो यूनिट है वो पड़ा हुआ है और इसके साथ इस बॉक्स में भी चेक करते हैं क्या है। पहले बॉक्स के अंदर देख लेते हैं और क्या पड़ा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये इसके अंदर फिल्टर्स पड़े हुए हैं 5। इसके अलावा ये क्लीनिंग ब्रश पड़ा हुआ है जो कि मेरे ख्याल से कॉम्ब को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं, इसमें चेक करते हैं कि क्या पड़ा हुआ है। ओके, तो ये डिवाइस का अडाप्टर है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि वायरलेस डिवाइस है, इसके अंदर बैटरीज पड़ती हैं, तो ऐसी बात नहीं, इसके साथ अडाप्टर कनेक्टेड है। और मेरे ख्याल से अच्छी बात है, अडाप्टर साथ कनेक्टेड होने का बेनिफिट ये है कि क्योंकि ये डिवाइस आपको नहीं पता कि आप कितने टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर अडाप्टर साथ कनेक्ट होगा तो आप आराम से इसको जितना टाइम चाहें बगैर चार्जिंग के या बगैर सेल्स को ऐड किए यूज़ कर सकते हैं। सेल्स तो कुछ टाइम के बाद ख़त्म ही हो जाते हैं या चार्जिंग भी डेड हो जाती है, तो फिर आप चार्ज इसको करते रहें बार बार। ओके, अडाप्टर चेक करें, ये 12 वोल्ट और 1 एम्पीयर का अडाप्टर है। डिवाइस की ओवरऑल क्वालिटी भी देखें, बहुत ही अच्छी है। इसकी वायर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसकी रीज़न ये है कि ये एक्चुअली ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और आपको एक और चीज़ का एहतियात करना है कि इस प्रोडक्ट की बहुत सारी कॉपीज़ भी मार्केट के अंदर आई हुई हैं, तो कहीं आप कोई कॉपी ना परचेज कर लें। डिवाइस को देखें तो ये इसके ऊपर ऑन ऑफ का बटन है। ये आप देखें, ये कॉम्ब हेड है। इसके टीथ को आप देखें तो इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इससे आप इजीली जुओं, लिखों और एग्स को आराम से रिमूव कर सकते हैं हेयर में से। साइड पे आप ये देखें, ये बटन्स लगे हुए दोनों साइड पे, ये स्लाइडेबल बटन्स हैं। ये नीचे की तरफ यूँ स्लाइड हो जाते हैं, तो इसको नीचे की तरफ यूँ पुश करके तो हम इसका जो एंगल है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये 90 डिग्री और 180 डिग्री पे एडजस्ट हो जाता है। अगर इसको मैं यूँ पीछे पुश करूँगा और ये देखें, मैं आराम से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा इसका एंगल कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर ये देखें इंग्रेव हुआ हुआ है कि राइट वे अप। तो जब आप इसको हेयर के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो इसको ये इस तरह से ये वाली साइड ऊपर रखनी है, क्योंकि इसकी ये आप अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पर खाली स्पेस है जहाँ से लाइसिस और जो भी निट्स वगैरह होंगी उसको ये सक करेगा अंदर की तरफ वैक्यूम पंप में। एक मिनट रुकें, इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें अब बाकी की वीडियो देखें। आप इसको कनेक्ट करना नहायत ही आसान है। इस यूनिट को आप गौर से देखें, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, इन दोनों एरोज को, जो हेड के ऊपर एरो है और जो वैक्यूम यूनिट के ऊपर एरो है, इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लेकर आना है और यूँ पुश करना है अंदर की तरफ। ये देखें, पुश करने के बाद आप हेड को यूँ रोटेट करेंगे लॉक की तरफ, तो ये देखें आप, ये लॉक हो गया वैक्यूम यूनिट। लेकिन इस डिवाइस को यूज़ करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस डिवाइस के फिल्टर्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये डिवाइस के साथ फिल्टर आया है, इस तरह फिल्टर ओपन हो जाता है। फिल्टर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये रीयूजेबल है, आप इसको बार बार वॉश करके यूज़ भी कर सकते हैं। ये वॉशेबल फिल्टर है। मैंने पढ़ा था कुछ डिवाइसेस के साथ जो फिल्टर्स आते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, लेकिन ये फिल्टर जो है ये वॉशेबल है और ये आप आराम से वॉश करके तो दोबारा यूज़ कर सकते हैं और इसको वॉशिंग इतनी मुश्किल भी नहीं होगी। मेरी डिवाइस के साथ देखिए 5 फिल्टर्स आए हैं इसी तरह। तो सबसे पहले आपने ऐसे ही हेड कॉम को जैसे पहले लगाया था इसको ओपन करना है, वापस रोटेट करेंगे दोनों एरर्स जब आमने सामने आ जाएँ तो इसको
पुल आउट करेंगे। अब फिल्टर को आपने यहाँ पे देखें, आप पुश करेंगे तो बस ये फिल्टर ऊपर जो है वो चढ़ जाएगा। अब इस डिवाइस का बेसिकली प्रोसेस ये है कि ये वैक्यूम यूनिट है, इसके अंदर ये फैन लगा हुआ है, तो ये सक्शन क्रिएट करता है। जब इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं तो इसके अंदर सक्शन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी कॉम करते हुए आपकी जो लाइसेंस या नेट्स या एग्स जो भी इकट्ठे होते हैं वो इस स्पेस के थ्रू सक्शन की वजह से अंदर खींचने होते हैं। जब अंदर खींचने होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फिल्टर लगा हुआ है और सबके सब इस फिल्टर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो आप फिर ये कर सकते हैं कि इस फिल्टर को रिमूव करके या तो फेंक सकते हैं या इसी फिल्टर को वॉश करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो चले मैं डिवाइस को ऑन करके दिखाता हूं। तो गाइज आप देख सकते हैं डिवाइस ऑन हो चुकी है और इसके वैक्यूम की आवाज से आपको अंदाजा हो सकता होगा कि इसका वैक्यूम कितना अच्छा है और ये कितने इजीली नेट्स और लाइसेंस को सक इन कर सकता है। ये ऐसे ऑफ होगा और ऐसे पुश करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसके अंदर ये LED लाइट दी गई है, इसका पर्पस ये है कि आप आराम से फिल्टर्स के अंदर चेक कर सके कि क्या वाकई कोई चीज इसके अंदर इकट्ठी हुई है या नहीं हुई। दोस्तों अगर इस डिवाइस की क्वालिटी की बात करें तो पहली बात तो ये है कि पेटेंटेड डिवाइस है। पेटेंटेड डिवाइस कोई भी जो होती है वो कोई ख़राब डिवाइस नहीं होती, वो डेफिनेटली अपना पर्पस पूरा कर रही होती है। सेकंडली ये जिस सेलर से मैंने परचेज़ किया है उसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि उसकी प्रोडक्ट के लिंक के ऊपर भी कम अज़ कम 600 रेटिंग्स हैं और उसमें से एवरेज रेटिंग 4 स्टार से अबव ही हैं, तो जिससे ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि 600 लोगों को ये डिवाइस जो है वो पसंद आई है और मैंने काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स इसके बारे में पढ़े हैं। स्टिल इसकी वर्किंग को टेस्ट करने के लिए मैं टी ग्रेन्स इसमें डाल के तो चेक करता हूँ कि क्या वाकई इसका सक्शन सही से काम करता है। ये देखें किस तरह ये सक्शन कर रही है तमाम के तमाम टी ग्रेन्स को। अगर आपको इसी सक्शन के बारे में डाउट है तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर ये टी ग्रेन्स ऐड करके आपको प्रूव भी करके दिखाया है कि इसकी सक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये इजीली जो है लाइसेंस को, निट्स को या एग्स को सक इन कर लेगी। तो चलें दोस्तों अब डिवाइस को ओपन करके फिल्टर को चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर टी ग्रेन्स जो हैं वो स्टोर हुए हैं कि नहीं हुए। ओके, तो आप देख सकते हैं ये इसका फिल्टर है, इसको मैंने रिमूव कर लिया है। तो ये देखें इसके अंदर इसी तरह ये फिल्टर के अंदर ये देखें सारे के सारे जो टी ग्रेन्स थे, हालांकि टी ग्रेन्स का साइज बड़ा होता है लेकिन देखें ये इसके अंदर सारे सक हो गए हैं। अब मैं एक्सपेरिमेंट के लिए आपको यही करके दिखा सकता था। तो आप इस फिल्टर को आराम से क्लीन भी कर सकते हैं, यूँ इसको पुल आउट करके तमाम इसमें लाइसेंस वगैरह किल करके आप फेंक सकते हैं और अदरवाइज आप पूरा पूरा इस जो फिल्टर है वो डिस्पोज करके नया फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। ये साइड्स पे दो इसकी LEDs लगी हुई हैं और ये फैन है इसके अंदर। अगर आपके पास फिल्टर्स ख़त्म हो जाते हैं तो आप आराम से और भी फिल्टर्स परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन स्टोर से। मैं फिल्टर्स को बाय करने का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर इस डिवाइस की प्राइस की बात करूं तो ये डिवाइस विद 5 फिल्टर्स आपको 1250 रुपीज़ में मिल रही है। इसकी प्राइसेस वेरी करती हैं फिल्टर्स की काउंट के साथ। अगर आप अलग से ये फिल्टर बाय करना चाहते हैं तो ये फिल्टर 125 रुपीज़ का एक मिल रहा है, आप जितने चाहें परचेज कर सकते हैं। आप इस डिवाइस को यूज़ करने के बाद इस ब्रश के साथ क्लीन भी कर सकते हैं और अगर ये ब्रश आपके पास गुम हो जाए तो इसका एक और तरीका भी मैं आपको बताता हूं कि आप अपने जो टूथब्रश है कोई भी पुराना टूथब्रश यूज करके उससे इस डिवाइस को क्लीन कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो हेड यूनिट है ये वॉशेबल है। इस हेड यूनिट को आप आराम से लूक वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी के अंदर आप इस हेड को डिप करके रखें कुछ टाइम के लिए और उसके बाद इसको गीले कपड़े के साथ या इस ब्रश के साथ भी, इसके स्टेनलेस स्टील के ये टीथ हैं इसको आप आराम से साफ कर सकते हैं, इनको जंग भी नहीं लगेगा। एक और चीज का लाजमी ख्याल रखिएगा कि ये जो वैक्यूम यूनिट है इसको आप प्लीज वॉश मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ है, तो अगर आप इसको वॉश करेंगे तो इसका सर्किट खराब हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपकी इस डिवाइस के बारे में कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक वीकॉम डिवाइस की अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी मर्जी की कोई प्रोडक्ट अनबॉक्स करूं तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।